हमें चाहिए तरीकेकार एक यादगार रहे। देखिए गांधी जयंती को हर साल मनाई जाती है, ये एक यूनिवर्सल ओकेजन बन गया है, ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही हिंदुस्तान के बाहर भी मनाया जाता है। तो हमारी कोशिश थी जो हमारे यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, इन लोगों ने मिल मिला के एक नॉवल तरीका इस बार शुरू किया मनाने का, जो कि ओकेजन को रिलेट करे गांधी के साथ और गांधी की फिलॉसफी के साथ। तो मैं बहुत खुश हूँ जिस तरीके से आज का फंक्शन मनाया गया और पूरा वो गांधीयन स्पिरिट को यहाँ पे जगाने की कोशिश की गई। करण साहब, अभी जिस तरह से इलेक्शन तो इतना पसीर हुए, आप जो है जो काउंटिंग है 8 तारीख को हो रही है, क्या स्ट्रेटजी आपने तैयार की है अगर आपकी सरकार आती है, जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस है, उसमें 5 जो लोग है वो एलजी की तरफ से भी असेंबली में डाले जाएंगे, तो उसके हवाले से क्या स्ट्रेटजी अभी बनाई जा रही है? सबसे पहले तो ये 5 लोगों को नॉमिनेट करने का जो अमल है वो मेरे ख्याल में उसके पीछे ध्यानत पे वो मबनी नहीं है, उसके पीछे नफेरियस डिजाइन है। उसको एक तरफ छोड़ते हुए कल को अगर रिजल्ट ये सामने आता है कि जो देखने में मिलता है कि लोगों ने अलायंस के हक में वोट दिया है या बीजेपी को पावर कॉरिडोर से बाहर रखने के लिए वोट दिया है, तो एक खुशहाली बात है। और उसमें जरूरत पड़ने पे अगर वैसी कोई जरूरत हो तो हमने पहले से कहा है, बिलखसूस मैं हर बार हर एक से यही कहता हूँ कि हमारा हमारे रास्ते हमारे दरवाजे जो खुले हैं तमाम लाइक माइंडेड लोगों के लिए, फोर्सेस के लिए, पार्टीज के लिए, इवन इंडिविजुअल्स के लिए। तो जरूरत पड़ने पे हम अपने अलायंस पार्टनर से मशवरा करके ऐसे लोगों के साथ भी बातचीत कर सकते हैं। एक 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 फैक्टर जो है वो इंडिपेंडेंस का है, इंडिपेंडेंस आपको लग रहा है कि वो किंग मेकर का काम करेंगे यहाँ पर? देखिए इंडिपेंडेंस को तो हम स्पॉइलर के तौर पे देखते हैं, क्योंकि बीजेपी ने या मरकजी सरकार ने जिसमें अगर देखा कि जो उनके डिजाइन थे, जो उनमें शतरंज जो बिछाई हुई थी जम्मू कश्मीर को चलाने के लिए, जिसके तहत आम तौर से जो कहा जाता है ए टीम बी टीम सी टीम, जब उनने देखा कि वो सारा फॉर्मूले उनके जो है एक्सपेरिमेंट्स उनके फेल हो गए हैं, तो उन्होंने एक नॉवल तरीका वोट फ्रेगमेंटेशन के वास्ते अपनाया, वो हो गया इंडिपेंडेंस को मैदान में डाल। मैं जम्मू से कल आया, मैंने जम्मू के में कैंपेनिंग की और मालूम करने की कोशिश की क्या यहाँ पे भी उसी तरीके से इंडिपेंडेंस को डाला गया है जिस तरीके से कश्मीर में डाला गया है। तो हैरानगी की बात यह है कि जम्मू में ऐसी कोई रविश नहीं थी, बिल्कुल सिर्फ कश्मीर में वो रविश थी। तो इसका मतलब यह है कि उनका मकसद सिर्फ जो है वो कश्मीरियों को डिसएम्पावर करना है और अपने अंदाज में अपने तरीके से यहाँ पे जितने भी मीर कासिम और मीर जाफर हैं उनको आगे लाने का उनकी मंशा है। तो ये जो इंडिपेंडेंस का की रविश यहाँ पे शुरू हुई है की है, ये एक नफेरियस डिजाइन के तहत है। यहाँ पे वोट को फ्रेगमेंट करके जो नियरेस्ट स्ट्रांग कैंडिडेट हो किसी भी जमात से, बट स्ट्रांग हो, उसको हराने की ये एक नॉवल तरीका उन्होंने किया, जैसा कि उन्होंने जम्मू में नहीं किया। ऐसा देखिए इंसिडेंट उसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते, तो
ये जो छुटपुट वारदातें जिसको कहते हैं वो हो सकती हैं, वो किसी भी जमात के दरमियान हो सकती है, बट उसके बुनियाद पर आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। तारिक साहब, एक सवाल जो है, सोनम वांगचुक को भी गिरफ्तार किया गया आफ्टर किसान्स एंड पालवांस, नाउ सोनम वांगचुक हैज बीन डिटेन्ड आर अरेस्टेड, तो उस पर क्या कहेंगे आप, क्योंकि वो एक जेन्युइन डिमांड्स के लिए वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसमें 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 मेन एक सर मेन एक जो चीज है वो इको फ्रेजाइल इकोसिस्टम को काफी ज्यादा यहाँ पर जो पिछले कई एक सालों से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तान में आज जो माहौल है, जो बीजेपी ने या उनके जो सब्सिडरीज हैं उन्होंने मिल मिला के जो माहौल बनाया है, वो किसी भी राइट थिंकिंग वॉइस को उभर भी नहीं देने, ये उनकी कोशिश है। वो किसी भी इलाके से हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का हो, लेकिन अगर वो राइट थिंकिंग है और बीजेपी के या आरएसएस के लाइन ऑफ एक्शन से हटके है, उनको सब्सक्राइब नहीं करता है, तो उन लोगों के वास्ते आज के दिन में बीजेपी ने या मौजूदा सरकार ने जेल रखी है। और आज आप देखते हैं कई पिछले लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो ग्लोरीफाई कर रही है बीजेपी कि यहाँ पे पीसफुल माहौल है, यहाँ पे पत्थरबाजी नहीं हो रही है, कोई कैलेंडर नहीं है वगैरह वगैरह, ये ग्लोरीफाई जो कर रहे हैं, मैं उसके जवाब में कहता हूं कि ये ग्लोरिफिकेशन का कोई मुद्दा नहीं है, ये डर और दबाव और खौफ का है। कैसे, पहले आप देखते थे अगर पानी के ऊपर औरतें निकलती थी प्रोटेस्ट करने में, सड़क पे बैठती थी, आगे का ट्रैफिक भी बंद, पीछे का ट्रैफिक भी बंद, जब तक उसका उनका उनका मतावा नहीं होता था तब तक वो नहीं उठती थी, या पावर के ऊपर होता था तब तक नहीं उठते थे जब तक नहीं होता था। आज की डेट में आप मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मैं मिसाल दे सकता हूं, बर्थना में बाजाबता उनके ऊपर एफआईआर लगाया गया क्योंकि वो पानी के वास्ते प्रोटेस्ट कर रही थी। पावर के ऊपर आप प्रोटेस्ट करो तो उसके ऊपर भी आपको एफआईआर लगता है, एंड देन यू देन दे आर लेबल्ड एज एंटी नेशनल। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर रिजल्ट को में हेराफेरी के वास्ते अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके ऊपर यूएपीए भी लगाया जाता है और ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट भी लगाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है, जो दबा, जो ये खामोशी, जो ये अमन आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ये एक्चुअली वो बात नहीं है। पीस जो है वो आपके दिल में होता है, पीस जो है वो आपके माइंड में होना चाहिए। यहां किसी के शख्स के ना माइंड में पीस है ना दिल में पीस है, एक खौफ है, एक दबाव है, जिसको मैं कहता हूं जैकबूट पॉलिसी से यहां पे जम्मू कश्मीर को चलाया जा रहा है। और मेरा मानना है कि जो यहां पे मैंडेट जो मिला है, अगर उसमें कोई ऐसा वैसा कोई मिस एडवेंचर नहीं हुआ, आई अंडरलाइन इट, अगर कोई मिस एडवेंचर नहीं हुआ, तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने क्लियर कट मैंडेट दिया है इस जुल्म सितम के खिलाफ, इस जैकबूट पॉलिसी के खिलाफ, इस एंटी पीपल पॉलिसी के खिलाफ, यहां के तमाम मामलात में बेजा मुदाखलत, हत्ता कि मजहबी मामलात में भी बेजा मुदाखलत के खिलाफ। बीजेपी दावा कर रही है जम्मू कश्मीर हमारा होगा। I would not like to qualify anyone. I said कि like minded on the same page against BJP's repressive oppressive policies, they can be anyone, they can be any party, anybody. I will not qualify anyone. Thank you.